हेलो वेलकम बैक गाइस। दोस्तों मैं जा रहा हूँ अभी गुल्लर का फल होता है छोटा छोटा उसको तोड़ने के लिए जा रहा हूँ। तो शाम के बजे हैं 5 और फुआ के साथ जा रहा हूँ। फुआ आगे आगे चली गई हैं, ये अपने स्टेशन है ना यादवेंद्र नगर, उसी के जस्ट थोड़े दूर में है। वो दवाई में यूज होने वाली है तो मैं आज यही दिखाने वाला हूँ। उस समय मैं साइकिल से हूँ, ये देख सकते हो आप लोग, गाँव में साइकिल से जा रहा हूँ। तो गाइस अभी इस वीडियो में बने रहिए और मज़ा लीजिए। तो गुल्लर का पेड़ भी दिखाऊंगा, उसका फल भी दिखाऊंगा और उसको लेके आएंगे हम लोग। तो वो दवाई में यूज होने वाला है, तो आप देख सकते हैं साइकिल। ये रोड देख रहे हैं, बहुत अच्छी रोड बन चुकी है इस समय हमारे गांव में, नहीं तो ये बहुत ही ख़राब रोड था। पूरी RCC का बना हुआ है, पूरा कंक्रीट का। तो गाइस वीडियो में बने रहिए और लुफ्त उठाइए। मैं शॉर्टकट निकालूंगा इधर से, आप देख सकते हो सामने रेल की पटरी है, उसी को क्रॉस कर रहा है। तो मैं इधर से क्रॉस करके निकलूंगा। फुआ अभी शॉर्टकट से पैदल निकल गई है, मैं अभी इधर से निकल रहा हूँ। ओहो इसको पार करना पड़ेगा, ये देखो। तो गाइस मैं फटाफट पार कर लेता हूँ इधर। हाँ तो गाइस मैं आ गया वहाँ पे जहाँ पे गुल्लर का पेड़ है, जिसका गुल्लर का पेड़ है ना वो उन्हीं का घर इधर ही पास में है। आपको दिखाता हूँ इनका घर, देखो कच्चा है लेकिन बहुत अच्छा है। तो इन्हीं का आगे पेड़ है एक गुल्लर का, तो वहीं जाके हम लोग तोड़ेंगे। थोड़ी देर के लिए बैठ गया हूँ। तो हुआ कुछ सामान ले रही है, मेथी ले रही है, मेथी छोटी सी, वो जिसमें वो गुल्लर का पकाएंगे, दवाई पकाएंगे तो उसी को ले रही हैं, ले लेंगी। उसके बाद हम लोग पहुँचेंगे लग्गी लेके, वहीं पे तोड़ेंगे। तो गाइस बता दूँ यहाँ पे आसपास की चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये आप घर देख सकते हो, ये घर बहुत ही पुराना है। ये रही अपनी साइकिल, ये गाय भैंस। गाइस ये पूरा गांव है और गांव ऐसे ही रहता है, ये अपना धर्मपुर एरिया है। अरे वो गुड़हल का पेड़ है, गुड़हल का फूल, ये सामने जामुन का पेड़, नीम का पेड़। फुआ है, इन्हों को चाहिए तो हेल्प कराने आ गया हूँ। ये देखो कनेर का फूल, नल का गाइस लगी लेके निकल चुका हूँ। अब देखते पेड़ पे कितना मिलता है। तो ये देखिए खेती से जा रहा हूँ, ये लगी लेके। तो वीडियो भी बने रहिए, आखिर तक बने रहिए और दिखाता हूँ गुल्लर कितना बड़ा बड़ा है, कोई मैं भी नहीं देखा हूँ। तो खेत खेत से जा रहे हैं, अपनी साइकिल इधर ही छोड़ देते हैं। और गाइस इस खेत में देखो बकरी है, बकरी के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उधर भी आगे बच्चे हैं, खेत में चल रहे हैं घास पानी। ये गुल्लर का पेड़ है ना, अजी महुआ है ना गुल्लर के यहाँ का, तो है हाँ यह। अच्छा अरे दवाई भी चाहा था। यही देखो यही है गुल्लर का पेड़। बाप रे बाप इतना ऊपर कैसे चलूंगा। इसमें देख सकते दूर पास पास में इसके फल है, ये देखो मुझे इधर से दिख नहीं रहा, देखो देखो इसका तने तने पे ना दिख रहा है फल। तो वही सब तोड़ना है, जितना मिल सके उतना तोड़ेंगे। पास पास से मैं तो चढ़ूंगा ना भाई, क्योंकि पेड़ पे चढ़े हुए बहुत दिन हो गया, अभी चढ़ूंगा नहीं। तो गाइस आप देख सकते हैं ये रहा गुलरी का फल, मैंने पॉलिथीन में सब रख लिया है। और ये कोहड़ा सॉरी ये कटहल का एक
तोड़ लिया हूँ उधर से। तो आज इसकी सब्जी बनेगी और ये दवा के लिए यूज होगा। तो तोड़ चुके हैं, अब पहुँच रहे हैं अपने साइकिल के पास, चलते हैं। साइकिल चलाते हुए हम सफर करते हुए आप ये अपना गांव है, बहुत ही सुंदर गांव हमारा। इस गांव से हमें बहुत प्रेम है। हर किसी को अपना गांव बहुत ही अच्छा लगता है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। आप देख सकते हो ये अभी स्टेशन का एरिया। अब मैं जा रहा हूँ गाइस इस थैले में रख रखा है और अब जा रहा हूँ रूम पे, घर पे ही जाऊँगा। ला रख टांग दे, दबा देना पर ये हमका लगत ना रहा है उनका रहा है पेड़वा तब कैसे बोला था ना तो मैं अधूरे अच्छे साझे वाला मतलब चला के टांगा ना ये बांधा पीछे ना दबा फुट जाए ना मिटिया दबा मिटिया फुट जाए कितना था लिया ठीक कर ले ले चला चला ठीक। तो गाइस देख सकते हैं कटहल मिल चुके हैं। कहाँ पे चला आप कल इधर ही तोड़ दे जाए ऊपर वो तो कुल ऊपर ना भाग गया पेड़ बड़ा हो गया ना पेड़ बड़ा हो गया ना भाई गुलरिया नीचे में है ना। अरे वो जो पोखरिया हो रही है करल है ना ये बल्कि नीचे है गल हली दबाई बचा रहे बहुत ऊपर बा अब हो ही गल तुम ना बयान आए। तो गाइस अपन को दो कटहल मिल चुका है और बाकी ये देखिए कटहल पीछे दिख रहा है। हाँ ये रहा एक पीछे एक आगे इसी में रखा हुआ। तो हम अब चलते हैं घर पे। तो गाइस तो ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है, ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं बना। तो बस जितना भी दिखाया हमने, अगर ये आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और आप अपने गांव से प्यार करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट बना के रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, जल्द ही आएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।